हे गाइस, मैं 2-3 दिन से सक्सेस स्टोरी अपलोड करना चाह रही हूँ लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मेल्स आ रही हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, पर मैंने अपने बारे में एक चीज़ नोट करी कि अगर मेरे पास में थोड़ी लोअर एनर्जी का अगर कोई मेल आती है तो बिकॉज़ आई एम एन इम्पैथ, मैं वो एनर्जी फील कर पाती हूँ और मैं वो एनर्जी धीरे धीरे अपने अंदर लेने लग जाती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब मेरे को आप प्लीज़ मेल्स करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो मेरे को सीखना है ना कि मुझे उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो मैंने क्योंकि मैं हमेशा यूनिवर्स से फिर ऐसी चीज़ मांगती हूँ, बिकॉज अगर मुझे देखिए, अगर मैं इम्पैथ हूँ, अगर मेरा लाइफ का पर्पज़ ही यही है कि जो मैंने स्पिरिचुअली अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, अगर कोई उस सेम कंडीशन से गुजर रहा है तो उसकी हेल्प करना, तो मुझे तो अपने आप गाइडेंस मिलेगी कि मुझे कैसे अपने आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है, कैसे हेल्प भी करना है और सेव भी करके रखना है। तो इसके लिए मुझे कल एक वीडियो रिकमेंडेशन आया था जिसके अंदर एक एनर्जी वॉल एक्सरसाइज वाला मेडिटेशन था जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा और जिससे मुझे एक टिप भी मिला। उससे फर्स्ट ऑफ ऑल टिप तो मुझे ये मिला जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट आ रहा हो जिसमें आप बहुत सारे लोगों के टच में आ रहे हो और बहुत सारे लोग आपके बारे में, कोई आपके बारे में नेगेटिव भी सोच सकता है, कोई आपके बारे में पॉजिटिव भी सोच सकता है। मेरे बारे में तो टच वुड, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड, जहाँ तक मैं फील कर पाती हूँ मेरे बारे में सब पॉजिटिविटी ही है। बट ये है कि दिस इज़ रियल वर्ल्ड, कुछ भी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, कई बार क्या होता है कि आप जितने लोगों से अटैच होते हैं तो उनसे आप उनकी एनर्जी कॉर्ड, उनका जो एनर्जी का कनेक्शन आपकी एनर्जी से जुड़ जाता है, वो कहीं ना कहीं आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी एनर्जी के लिए, गुड एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे बस यही देखना है कि मेरी एनर्जी ड्रेन नहीं हो, क्योंकि अगर मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी तो मैं आगे कैसे उसको कैसे पास ऑन करूँगी। तो इस एनर्जी वॉल एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताया गया कि जो भी लोग मेरे बारे में कभी भी पूरे दिन में 24 घंटे में सोचते हैं, उनको मैं एक बार ज़रूर आई ब्लेस यू बोलती हूँ और उनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी गुड वाइब्स मैं देती हूँ। मैं इमेजिन करती हूँ, आंखें बंद करती हूँ और अपने जैसे मेरे इमेजिनेशन में एक राउंड में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो मुझसे हेल्प चाह रहे हैं, मेरे साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, या मैं जिनसे हेल्प चाह रही हूँ, जो भी मेरा जिनसे भी कनेक्शन है, मैं उन सबको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ, जिससे कि मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं कहीं क्योंकि अगर मेरी वाइब्रेशन लो हो जाएगी तो मुझे फिर से वापस मेहनत करके, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, तो मुझे वापस ऊपर आना पड़ता है। तो इसीलिए दिस इज़ द एक्सरसाइज विच आई डू। तो आप भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क फ्रंट पे अच्छा नहीं चल रहा है या घर में ऐसा है कि आपके रिलेटिव्स के साथ में नहीं बन रहा है, कहीं पे भी ऐसा लग रहा है, तो आप आइज बंद करके जितने भी लोग आपके बारे में दिन में सोचते हैं, चाहे वो अच्छा या बुरा सोचते हैं, आपको उनको ब्लेस करना है और आपको उनको बहुत सारी पॉजिटिविटी देनी है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, सेकेंड में आपको जो मैंने कल एक्सरसाइज ट्राई करी जिसका मुझे इंस्टेंट रिजल्ट भी मिला, वो ये था क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जिनमें एक मदर ने रिक्वेस्ट किया था कि उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो वो कैसे अफर्मेशंस वगैरह यूज़ कर सकती हैं बच्चे के लिए। तो मैंने सोचा था मैं इसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। इसमें ये है कि आपको आइस बंद करनी है, ओके, और आपको सांस अंदर बाहर लेना है, जस्ट इमेजिन करके, और फिर आपको क्या करना है कि अपने आप दोनों हाथों के बीच में आपको एक एनर्जी बॉल को इमेजिन करना है। अगर आप अपने दोनों हाथों को आसपास रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जब उसको आगे पीछे करेंगे दोनों हाथों को, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी हीट पता चलेगी और आपको इन दोनों के बीच में कुछ मैग्नेटिक सा फील्ड सा आपको फील होगा, जो एक्चुअली मतलब आपको गर्म सा लगेगा। आप उस बॉल का कलर आप अपने हिसाब से पर्पल रख सकते हो, रेड रख सकते हो, गोल्डन रख सकते हो, सिल्वर रख सकते हो, आप उस लेकिन एनर्जी बॉल को आप इमेजिन करो, जैसे कई मूवीज में भी दिखाते हैं ना कैसे वो हीरो सुपरमैन और ये सब वो कर रहा है, तो यू विल बिकॉज आई हैव फेल्ट इट। अब ये करना है कि आपकी एक तरीके से ब्लेसिंग बॉल होगी, इसके अंदर आप खूब सारी ब्लेसिंग्स डालो। आप अगर आप इसको खुद पे फोकस करना चाहते हो तो आप बोलोगे आज का मेरा दिन, तो कल मैं अपना कल का एग्जांपल देती हूँ। कल क्या था कि बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, और मुझे बाहर जाना था
और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे को किसी जगह जाना था और मुझे बहुत अच्छा फील करना था, लेकिन क्या इतनी गर्मी थी और मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं अच्छा फील नहीं कर पा रही थी। तो मैंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट करी और मैंने बोला कि इस ब्लेसिंग बॉल के अंदर आज मैं डाल रही हूँ कि जब मैं जाऊँगी ना तो मैं बहुत अच्छी लग रही होंगी, मैं बहुत अच्छा फील कर रही होंगी, मैं जाऊँगी तो एक स्माइल के साथ जाऊँगी, मुझे देख करके सब लोग स्माइल करने लग जाएंगे और आज ना मुझे एकदम यूनिक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा जिसको देख कर जिसको सुन के मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। ठीक है, तो उस बॉल के अंदर आप चाहो जो भी चीज़ डाल सकते हो। तो पहले मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं किसी और के लिए कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊँगी। तो जैसे ही मैंने वो बॉल वाला किया तो उसमें क्या करना होता है कि जैसे मैंने एक एनर्जी बॉल इमेजिन करी और मैंने बोला कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, आज मैं बहुत स्मार्ट लगूंगी देखना, और मैं जाऊँगी तो मैं खूब इंजॉय करूँगी और है ना वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम होगा और एक्स वाई जेड, और फिर मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा देखना, मैं एकदम सेंटर ऑफ अटेंशन रहूँगी। ये जस्ट दिस इज़ जस्ट टू फील गुड, हाँ सेंटर ऑफ अटेंशन ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कि आप अच्छा अच्छा इमेजिन करो ना, गो विद द फ्लो। फिर मैं वहाँ गई और मुझे एक लेडी ने जो मुझसे यू नो हार्डली 5-6 साल बड़ी होंगी, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये सामान यहाँ रख दो, और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं इतनी छोटी लग रही हूँ कि मुझे उन्होंने बेटा बोला। मैंने कहा वाह दिस इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अ गर्ल कैन गेट, अ लेडी कैन गेट, कि उसको कोई बहुत मतलब आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि उसको कोई बोल रहा है कि वो बहुत छोटी उम्र में वो लग रही है विद ऑल द ग्रे हेयर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ से मैंने सोचा कि हाँ दिस एक्चुअली वर्क्स। तो मेरा वाला तो देखिए थोड़ा लाइट नोट पे है, मैंने उसको छोटी सी चीज़ पे पहले अप्लाई किया बट आई रियली गॉट द रिजल्ट, मेरी इवनिंग बहुत अच्छी गई, मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मेरी एनर्जी पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छी थी। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी। अब जो सेकेंड थिंग ये है कि अगर मान लीजिए किसी आपको कुछ ट्राई करना है तो आप हमेशा वैसे तो छोटी चीज़ से ट्राई कीजिए, आज के दिन से आज की इवनिंग से ट्राई कीजिए, आप इंटेंशन क्या डालना चाहते हैं आप उसमें डालिए बॉल में। दूसरा ये कि मान लीजिए हाँ जैसे किसी के घर में तबीयत ख़राब है और आपको उनके लिए एनर्जी बॉल बनाना है तो आप आइज बंद करके बोलेंगे कि ये जो मेरी एनर्जी बॉल है ये मेरे बेटे या बेटी के लिए है, और उसके अंदर आपको सारी अफर्मेशंस बोलने हैं कि मैं हील होने के लायक हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ, ऐसे करके मैं अफर्मेशंस लिख के भी दे दूँगी अगर किसी को हीलिंग से रिलेटेड चाहिए या कोई भी अफर्मेशन दो। और फिर जो फाइनली वो जो एनर्जी बॉल आपकी बन जाए, आपको पूरा लगे कि इसके अंदर आपने खूब सारी ब्लेसिंग्स डाल दिए, एंड में आप थैंक यू ज़रूर बोलिए, फिर आप उसको अपने हार्ट चक्र यहाँ पे ऐसे पूरी एनर्जी को अंदर लेके जाना है आपको, और बस इट वर्क्स, इट डज़ वर्क। तो अगर आपको आप इसको डेफिनेटली खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू। तो मैंने तो कल से ही यूज़ करना शुरू किया है, कल से एक तो मैंने सबको ब्लेस करना शुरू किया है सो दैट अगर किसी का मेल आता है या मैं किसी से बात करती हूँ तो उनसे मैं बात करूँ, उनका मैं पेन समझ पाऊँ, उनको मैं हेल्प कर पाऊँ, पर आफ्टर 5-10 मिनट्स आई कैन लाइक गो बैक टू माई डे, मैं अपने रूटीन में वापस से आ जाऊँ, मेरा एनर्जी लेवल उतना ही अच्छा रहे। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, मैं और भी टिप्स दूंगी अपनी एनर्जी सेव करने के, और आप भी प्लीज़ मुझे बताइए कि आपका एनर्जी बॉल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको और इस पर प्रॉपर मेडिटेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं बकायदा मेडिटेशन भी बना के दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय।